हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा, जिसके लिए हमें चाहिए टमाटर अच्छे से धुले हुए। यहाँ पर मैंने चार बड़े टमाटर लिए हैं, इसको मैंने धुल लिया है। इसको हमें बॉईल करना है। नॉर्मल व्हीट फ्लोर, जिसका हम डो तैयार करेंगे। थोड़ी सा ऑरिगेनो, सॉल्ट टू टेस्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी टोमेटो सॉस यूज़ किया है, और ये है मोज़रेला चीज़, जिसको हमें कद्दूकस कर लेना है। दोस्तों, बहुत पहले से कद्दूकस करके नहीं रखे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर कटे हुए, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, चिली फ्लेक्स जिसको हम डालेंगे, और ये बारीक कटे हुए लहसुन। तो चलिए, सब थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ हुआ है। चलिए हम बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए टमाटर को हमें सबसे पहले बॉईल करके फिर उसको पीसना है। यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में बॉईल करूँगी, आप चाहें तो गैस पे भी बॉईल कर सकते हैं। जब तक हमारा टमाटर बॉईल हो रहा है, चलिए हम डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर गेहूं के आटे को मैंने लिया है, इसमें नमक डाल के अब हमें इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है, और हमें एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। चलिए, अब हम अपना सॉस तैयार करते हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं। अब हमें इसका छिलका उतारना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी इसको उतारिए। और अब इसको हमें मिक्सी में अच्छे से महीन फाइन पेस्ट बना लेना है, प्यूरी बना लेना है। ये देखिए, इसका ऊपर की स्किन जब बॉईल करेंगे तो अपने आप निकलने लगेगी। अब ये देखिए, मैंने मिक्सी में पीस लिया इसको। ये हमारी टमाटर प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम इससे बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, और बारीक कटे हुए लहसुन डालने हैं। लहसुन को थोड़ा सा लाल करिए, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं यूज़ करना है, आधा प्याज मैंने यहाँ यूज़ किया है। दोनों को सॉटे करिए हल्का सा गुलाबी होने तक। अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। दोस्तों, ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है, इसको आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, करीब आधा कटोरी टमाटो सॉस, ताकि इसे अच्छा सा कलर भी आ जाए। अब इसको हमें अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा गरम मसाला, करीब आधा चम्मच डालेंगे, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसको हमें पकाना है, और थोड़ा सा थिक करना है। 10 मिनट में हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगा। इसको आप 10 से 15 दिन तक आराम से रखकर कई सारे डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस, ये देखिए इतना थिकनेस हमें चाहिए, तैयार है। चलिए, अब हम मिक्सचर तैयार करते हैं। ये हमारा मोज़रेला चीज़ कद्दूकस कर लिया है मैंने, बहुत ही आसानी से रूम टेम्परेचर पे रख के इसको कद्दूकस करना है। इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर, ऑरिगेनो, करीब 2 चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालना है। ये देखिए कितना कलरफुल और प्रोटीन रिच हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको फिल करके पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहिए। ये देखिए, हमारा डो भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी पतली रोटी बेलेंगे। और थोड़ी और बड़ी और पतली, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों के टिफ़िन के लिए। शाम को चाय के साथ बच्चों को आप दे सकते हैं, एक हेल्दी नाश्ता है ये। ये देखिए, अब हम इसमें होममेड पिज़्ज़ा सॉस मिलाएंगे। दोस्तों, ये सॉस आप बना के आराम से रख सकते हैं।
ये देखिए इसको स्प्रेड करना है अच्छे से, इससे बहुत ही डिलीशियस स्वाद आता है हमारे पराठे का। और अब हम इसमें करीब 4 चम्मच मिक्सचर डालेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया, साइड से पहले उठा के आप दबाइए, दूसरा साइड उठा के दबाइए। अब इन दोनों साइड्स की तरफ से भी हमें इसको फोल्ड कर देना है ताकि हमारा मिक्सचर बाहर नहीं निकले। और अब एक फोक की मदद से हमें इसके साइड्स को थोड़ा सा दबा देना है ताकि हमारा पराठा खुले नहीं। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमें तवे पे सेकना है। सेकने के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं देसी घी यूज़ करूँगी, क्योंकि थोड़ा देसी घी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से तवे पर मीडियम फ्लेम पर हमें पराठों को सेक लेना है। आप फोल्ड करने के लिए दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे शेप में भी फोल्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी। इसको ऐसे पलट के मीडियम फ्लेम पे सेक लीजिए, अच्छे से लाल कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा पराठा तैयार करते हैं। ये देखिए वैसे ही पतली रोटी बेली है मैंने, और अब इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और अब इसमें बीच में मिक्सचर डालिए, हमारा मोज़रेला चीज़, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर का मिक्सचर, इसको बीच में डालना है और एक साइड से पराठे को उठाकर चिपका देना है। ये देखिए इस तरीके से एक साइड से आपने उठाया और दूसरी साइड ला के इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब फोक की सहायता से आप इसको फिर चिपका सकते हैं, ये देखिए, ताकि हमारा पराठा खुलेगा नहीं। और बहुत ही अच्छा सेकने के बाद जब आप इसको बीच से काटेंगे तो आपको पूरी लेयर चीज़ वेजिटेबल्स की आपको दिखाई देगी। ये देखिए हमारा पराठा धीमी आंच पे कितने अच्छे से सिक रहा है। इसको ऐसे अलट पलट के सेक लीजिए, ऐसे आपको सारे पराठे सेकने। ये देखिए इस शेप में भी हम पराठों को ऐसे ही सेक लेंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा बस लगभग तैयार है। आप जब भी बच्चों को खिलाइए इसको खाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये देखिए 200 चीज़ बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में बहुत ज़रूरी है, इवन हम लोगों के लिए, तो चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा, उसको ये पराठा खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए इसको बीच से कट करेंगे तो आपको चीज़ की और वेजिटेबल्स की लेयर बहुत क्लियर दिखेगी। और इस पराठे का आप आनंद लीजिए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल तैयार है।